समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव और पीड़ित लगभग सैकड़ों ग्रामीण ने कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के बर्डपुर नंबर 1 चोलाली गढ़वा कस्बे में स्थित एक कॉम्प्लेक्स के गोदाम में 31 अक्टूबर 2023 को हुए विस्फोट के मामले में सोमवार को जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र एवं उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए एसडीएम न्यायिक प्रियंका चौधरी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को सौंपे मांग पत्र से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व पीड़ित सैकड़ों ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है कि मकान मालिक सहाबुद्दीन के छोटे बेटे अशरुद्दीन घटना के एक माह पूर्व बॉम्बे से घर ठाकुरापुर आया था। घटना स्थल कमले कश में बने गोदाम को स्थानीय निवासी मिठाई लाल पुत्र कल्लू द्वार किराए हेतु ले रखा था, जिसमे वो बर्तन और पटाखे का सामान आदि रखता था, जिसे अभियुक्त के पिता सहाबुद्दीन द्वारा उसे किराए पर दे रखा था। ऐसी स्थिति में असरुद्दीन को बिना कसूर के ही कोतवाली प्रभारी कपिल वस्तु ज्ञानेंद्र राय व उनकी टीम द्वारा मुलजिम बना दिया गया। ये भी आरोप है कि घटना में पुलिस ने जिसे अभियुक्त बनाया है वो मुंबई में रहता है। कुछ दिन पहले वो घर आया था, न तो वो घर रहता है और न ही उसे कॉम्प्लेक्स में उसकी कोई व्यापार चल रहा था। मुख्य मुलजिम तो मिठाई पुत्र कल्लू है, जिसका पटाखे की दुकान और गोदाम है। उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसे बेकसूर असरुद्दीन को न्याय मिल सके और दोषी को सजा। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार को डीएम को संबोधित उच्च स्तरीय जांच के लिए कपिल वस्तु क्षेत्र के लगभग सैकड़ों पीड़ित ग्रामीणों के साथ ज्ञापन दिया गया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि वाह रे योगी की पुलिस, कपिल वस्तु में ब्लास्ट की घटना में मुख्य मुलजिम को दिया आजाद, निर्दोष को बना दिया दोषी। यदि न्याय नहीं मिला तो पूरी घटना को सदन में उठाया जाएगा। इस संबंध में आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि 31 अक्टूबर को अलीगढ़वा बर्डपुर नंबर 1 अलीगढ़वा में 1 बजे लगभग मंदिर विस्फोट हुआ। क्या हुआ वो तो हम लोग गए वहाँ तक पता चला है। उसमें जो ज्ञापन दिया तो उसमें जिसके खिलाफ मुकदमा किया गया उसे बिल्कुल निरपराध, उसकी कोई गलती नहीं, ना उस मकान से उसका मतलब अपने बाप से सरुद्दीन अपने बाप से अलग रहता साहबुद्दीन से ठकुरापुर गांव, और वहीं से पुलिस पकड़ के उसको लाई है, उसको बुलाक लाई है और आया। अगर वो घटना में इन्वॉल्व होता तो पुलिस को पकड़ पाती, भाग जाता, नेपाल चला जाता, कहीं चला जाता, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं घटना के बारे में थी। वो गया और जो किराएदार है, मुझे अफसोस इस बात का है कि जिला प्रशासन जान बूझ के कौन सी ऐसी रंजिश असरुद्दीन के खिलाफ जेल डाल दिया, जबकि असली जो किराएदार है ये मिठाई लाल पटाखे की दुकान वर्ष कई वर्ष से करता है, उसका एक साझीदार जो उसमें मरा है वो जो मुटोल का है लेकिन रहने वाला मूल बिजनगंज का दोस्त पता है, वो मरा, वो तो मर गया, लेकिन मरने वाला जो मुलजिम है मिठाई लाल प्लस वो जो किराए साझीदार था उसको छानबीन के मुलजिम करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने कहे तो मर गया तो इससे क्या हुआ? मिठाई लाल जो उसका बाप किराए पर लिया है इसकी जांच कर ले प्रशासन। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि मिठाई लाल जांच कर ले, उनकी LIO है, पुलिस है, जनता है, वहाँ के लोग हैं, मिठाई लाल किराएदार था, किस कारण बस मिठाई लाल को मुलजिम नहीं बनाया गया, ये एक जाँच का विषय है। यही हमने ज्ञापन में दिया कि जाँच करके जो निर्दोष हो उसको हटाया जाए और जो दोषी हो उसको मुकदमे में पूरा डाल के उसको दंडित किया।